टांडाबरोड क्षेत्र के सरस्वती स्कूल मार्ग श्यामनगर इन दिनों कीचड़ और जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। पिछले कई वर्षों से कीचड़ भरी कच्ची सड़क से ग्रामीण परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। इस मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। जिम्मेदार प्रतिनिधि एवं अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खराब सड़क के कारण स्कूली बच्चों को कीचड़ के रास्ते से ही स्कूल जाना पड़ता है। आए दिन इस मार्ग से निकलने वाले बाइक सवार कीचड़ में ही गिर जाते हैं। वहीं किसानों को भी अपनी फसल लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रहवासियों ने ग्राम पंचायत से लेकर जिले के समस्त अधिकारियों को पक्की सड़क बनाने के लिए आवेदन देकर अवगत करवाया, लेकिन शासन के सभी अधिकारी आश्वासन देकर चले जाते हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस खराब रास्ते को पक्का करवाने को तैयार नहीं है। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। रास्ते में कीचड़ होने से आपके क्या क्या समस्याएं हो रही है? ये आम रास्ता है, यहाँ से किसानी सामान का आना जाना, स्कूली बच्चों का भी निकलना रहता है, मजदूर वर्ग भी आते जाते रहते हैं, उनको बहुत समस्याएं निकलने में होती है। पशुओं को पानी पिलाने में इधर से जाते हैं तो निकलने में बहुत परेशानी होती है। किसानों की गाड़ियां जब भरी हुई आएगी तो और ज़्यादा परेशानी होगी। आपने इस मार्ग को दुरुस्त करने के लिए पंचायत में आवेदन वगैरह दिया था क्या? हाँ, इस संबंध में सरपंच को भी अवगत कई बार करवाया और विधायक सांसद जी भी आए थे, उनका क्या कहना है इस संबंध में? वो तो सिर्फ आश्वासन देते रहते और कहते हैं ये पंचायत में हमारी नहीं आता है। क्या नाम है आपका? छोगालाल कुमरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।